नशे मत किया करो, मत किया करो। मजा आया। Few moments later. Hello so guys, क्या हाल चाल? मेरा नाम मनपसंद, आप देख रहे हैं मनपसंद यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी सोलो में रैंक पुश, प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अब देखो इस वाले मैच में यहाँ पे एक हैकर आता जो यहाँ पे लाइव प्रो बैन होता है बिल्कुल लास्ट जोन में। अब बंदा यहाँ पे लास्ट जोन में बैन हुआ तो मजा तो बहुत आएगा और भर भर के मजा आएगा। तो गाइस जैसे वो बैन हुआ मैंने अपना उठाया मॉन्स्टर ट्रैक और निकल पड़ा उसी बंदे के पास जो बैन हुआ था लाइव प्रो। तो वो वीडियो लास्ट में तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखे जाना और मेरे को बताना उस हैकर को मैंने यहाँ पर कैसे मारा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपना यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊंगा आज और यहाँ पे मैं अपनी रैंक ही बताऊंगा आज मेरी रैंक क्या चल रही है। आज काउंटर लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा वो भी यहाँ पर आज बताऊंगा। समय पहले यहाँ पर देखो अपनी रैंक बता देता हूँ। मैं यहाँ पर रैंक दिखाना नहीं चाहता था लेकिन बट यहाँ पर इतना फोकस हो रहा है मेरे पे, मेरे को रैंक दिखाना पड़ रहा है। तो इस समय पहले यहाँ पर देखो फटाफट चलते अपन रैंक की तरफ। अब देखो अपने यहाँ पर रैंक चल रही है 1100 और आज यहाँ पर कॉन्कर लग पाएगा नहीं लग पाएगा मेरे को तो नहीं लगता कि आज कॉन्कर लग पाएगा लेकिन बट अपन यहाँ पर रैंक पुश बराबर करेंगे। और अपन को अभी रुको यार रिजल्ट और देखना जो यहाँ पर मेरे को कैसे प्लस मिल रहा है कॉन्कर लव में कैसे कैसे प्लस मिलता है। अब देखो अपन आ चुके हैं रिजल्ट में। अब आप लोग ये रिजल्ट गौर से देखो यहाँ पर मेरे को कैसे मिलता है कॉन्कर लव में प्लस। और अभी मेरी रैंक चल रही है 1000। अगर इस समय मैं सेफ नहीं खेला ना यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे माइनस लगातार लग सकते हैं। तो देखो गाइस 8 7 6 5 2 1 ऐसा प्लस मिल रहा है और आप लोग को लगता है यहाँ पे कॉन्कर में भर भर के प्लस आता है, ऐसा कभी नहीं गाइस। अगर जितना अच्छा गेम प्ले आप लोग निकालोगे ना उतना अच्छा आप लोग को प्लस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मैं #10 निकालता हूँ #19 निकालता हूँ तो गाइस यहाँ पे मेरे को अच्छे सा प्लस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे अगर आप लोग 50 के ऊपर मर गए तो गाइस आपको यहाँ पे माइनस ना बहुत गंदा लगेगा, मेरे को इतना पता है माइनस बहुत गंदा लगेगा। अब लगेगा कितना वो आपको यहाँ पे वीडियो में देख के पता चलेगा क्योंकि #10 में 50 में अभी तक मरा नहीं हूँ। माइनस मेरे को मुश्किल से 2 बार लगा है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगता हूँ क्योंकि मेरे को ना ऑलरेडी 2 घंटे का टाइम रहता है दिन में खेलने का और 2 घंटों में खाली रैंक पुश करना पड़ता है मेरे को। दोनों घंटे में आप लोग को यहाँ पे गेम प्ले बहुत बढ़िया चाहिए पड़ती है जिसमें आप लोग यहाँ पे कॉन्कर पुश कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आप लोग को बताना था कि इस वाले मैच में हैकर है। अब जो हैकर है ना वो यहाँ पे अपन को लास्ट में देखने को मिलता है। अब लास्ट में वो बैन हुआ ना जो यहाँ पे मेरे ऊपर ऑल पे एक बंदा था उसकी बातें देखकर आप लोग को जरूर जाना है। ऑल पे एक बंदा था तो गाइस वो बंदा कहता है गाइस वो घर में बैन हुआ उस वाले सामने वाले घर में। और जैसे ही मैं ये बात सुनता हूँ ना तो मेरे सामने यहाँ पे खड़ा था एक मॉन्स्टर ट्रक और जैसे ही मैं मॉन्स्टर को उठाता हूँ ना तो मैं निकलता हूँ सीधे उसी के बंदे के पास और वहाँ पे करता हूँ सस्ते से डंडन डंडन। मज़ा बहुत आया, बस लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पे ऊपर के मारते देखो ना 1-2 बंदे यहाँ पर फिनिश करेंगे और यहाँ से अपन फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इंजर कोड खाली, देखो यहाँ पे जो मैं ये नॉर्मल मैच खेल रहा हूँ ना मेरे को अभी भी पता नहीं बंदा इस वाले मैच में है क्योंकि जब से मैं रैंक पुश कर रहा हूँ ना मेरे को अभी तक हैकर नहीं देखने को मिले हैं। सर्वर हैक बहुत ज़्यादा आए लेकिन अभी तक हैकर नहीं आए। लेकिन अगर हैकर नहीं आए ना तो ये मेरे में पहले मैच में जो यहाँ पे हैकर देखने को मिल रहा है। इस सीजन की बात कर रहा हूँ और सीजन का पता नहीं, इस सीजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और आप लोग मेरा रिजल्ट देखने के बाद दोबारा देखना जरूर जाना कि आपको यहाँ पे कॉन्कर लॉबी में कैसा प्लस मिल रहा है। हैशटैग अगर 10 कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 का 12 का प्लस मिलेगा। अभी इस समय जिस समय मैं बात कर रहा हूँ 3 किल के साथ मेरे को 12 का प्लस मिला, आप लोग रिजल्ट देख लेना। और अगर आप लोग यहाँ पे टॉप 5 कर रहे हो ना तो आपको 15-20 का प्लस मिलेगा 3 किल के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 6 किल निकाले और #2 निकाले तो आपको यहाँ पे 25 का 26 का प्लस देखने को मिलेगा। आपको लगता है कॉन्कर लेना हल्की चीज़ है? नहीं बिल्कुल नहीं यार, अगर आपको एज डोमीटर पर कॉन्कर मिल रहा है ना तो यहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अगर एज डोमीटर का माइनस आप लोग को सोलो में घल गया ना तो वो प्लस करने के लिए आपको 4 मैच खेलने पड़ेंगे। अगर 4 मैच से आप 1-2 मैच में और माइनस घल गया ना तो आप यहाँ पे कॉन्कर करना छोड़ दोगे, मैं आपको यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे बंदे कई बार हुआ है। मेरा खुद एक फ्रेंड है जो यहाँ पे ऐसा कर रहा है, मैंने अगर उससे कहा कि भाई तू लगातार रैंक पुश करते लेकिन बट कह रहा भाई माइनस लगता है, मेरे मेरा क्या जाता है तू भाई रैंक पुश कर, मैं आपको बताऊंगा कि आप रैंक पुश कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखो मैं कैसे मरता हूँ,
अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ये दो बंदे किए थे टीम अप, आपने देखा यहीं से निकल के बंदा गया था आगे साइड को, अब वो बंदा यहाँ पे वापस कैसे आ सकता है मेरे को नहीं पता है। बंदा पक्का टीम अप करके बैठा था और ये दो बंदे यहाँ पे टीम अप करके खेल रहे थे, अपन मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि बंदा मेरे सामने आगे गया है, अगर सोलो होता तो भाई एक दूसरे का फाइट होता, अगर टीम अप कर रहे थे वो लोग तो यहाँ पर मेरे को पता है टीम अप कर रहे थे। अब आ चाहते हैं अपन लास्ट वाले गेम प्ले में, अब इस लास्ट वाले गेम प्ले में सोचता हूँ थोड़ा सा हीलिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे को पता है इस वाले मैच में जो लॉबी है ना यहाँ पे बहुत जल्द खाली हो रही थी, तो मेरे को हल्का फुल्का शुरू से डाउट था, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं पता था इस वाले मैच में हैकर है, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी बंदे का क्लिफेड भी नहीं आया जो यहाँ पर हैकर सक कर सकूँ, लेकिन अगर हैकर है तो गाइस आपको यहाँ पर सेफ खेलना पड़ेगा। अब यहाँ से निकलते हैं पोजीशन होल्ड करने के लिए जहाँ पे हमको होल्ड करना है, तो चलो पहले फटाफट निकलते अपन। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में, और मेरे को यहाँ पे हल्का सा डाउट था कि हो सकता है यहाँ पे बंदा हो, लेकिन अपन को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अगर बंदा हुआ तो आपको फाइट लेने में दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ हल्का फुल्का, और देखो यहाँ पे एक बंदा होता है जो सामने साइड को आया हुआ था, तो यहाँ पे जोन स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे जोन स्टार्ट होने का वेट करता हूँ और उस बंदे के हल्का सा स्प्लेंट का वेट करता हूँ। देखो बस यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सामने साइड एक बंदा है जो यहाँ पे किसी दूसरे बंदे को फिनिश कर रहा था, अब मैं इस पे एम लेके बैठा हूँ, ये बंदा निकलेगा तो यहाँ पे हल्का फुल्का डैमेज दूंगा। बंदे को यहाँ पे मैं दो बुलेट मारा, काफी अब बहुत ज्यादा डैमेज मिल गया, एक हेड एक बॉडी गला है तो बहुत ज्यादा है, अगर बंदे को और पहले मैं देख लेता तो हो सकता था मैं उस बंदे को उतार दूं, लेकिन डैमेज मिल गया, यही अपने लिए बहुत है। अब निकलते हैं जोन में साइड, क्योंकि जोन में मेरे को पता है पोजीशन कहीं नहीं मिलने वाली, हर जगह घर है तो अपन को किसी एक घर में फाइट लेनी पड़ेगी, मेरे को इतना पता है, तो बस देखो अपन कैसे होल्ड करते हैं अपन। तो यहाँ पर मेरे को चारा नहीं था, इसी घर में मेरे को चारा मिल रहा था तो यहीं पर आ जाता हूँ मैं, अगर शुक्र मना यहाँ पे कि नीचे यहाँ पे बंदा नहीं था, यहाँ पे मेरे को हो सकता था 99% मरने के चांस हो, क्योंकि कई बार हुआ है मेरे ऐसे, कई बार ही हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरे को अभी पता नहीं है कि यहाँ पे मेरे सेस्ट बगल में मॉस्टर खड़ा है, अगर होता तो मैं यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो। तो अब देखो जो ऊपर वाला बंदा है ना, ऊपर वाला बंदा वो यहाँ पे सब में टॉप वाले फ्लोर पर है, अब टॉप वाले पर तो वहाँ से अच्छे खासे किल निकाले होते इस बंदे ने, अब यहाँ पर देखो खाली, अब यहाँ पे देखने के बाद जो आपका खुशी मिलने वाली है ना वो बस अमेजिंग है। अब बस देखो आप ये होता क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर बंदा जैसे ही बैन हुआ ना तो मेरे को यहाँ पर नीचे उतरने के बाद मेरे को दिख जाता मॉन्स्टर, और जैसे ही यहाँ पर मेरे को मॉन्स्टर दिखता है तो मैं उठा के निकल पड़ता हूँ उसी बंदे के पास जहाँ पर वो बैन हुआ है। अब देखो उस बंदे के पास जो यहाँ पर नशे करने वाला हूँ ना मैं, मतलब थोड़ी देर में खिलवाड़ लूँगा, थोड़ी उसके मजे लूँगा और फिर उसको यहाँ पर तड़पा तड़पा के मारूँगा, मज़ा फुल आने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो यहाँ पर जाता हूँ फटाफट, और उसके सामने यहाँ पर एक और मॉन्स्टर दौड़ रहा था, और वहाँ पर देखो कैसा बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब जैसे अंदर घुसता हूँ ना यहाँ पे सस्ते नशे गाइस, ये देखो भाई ये है हैकर जो यहाँ पे खड़ा है लाइव प्रूफ बैंड, और गाइस यहाँ पे मजा, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता हूँ, इसकी धना धन पेटी बना देता हूँ, क्योंकि अगल बगल ना बहुत ज्यादा बंदे हैं, हो सकता है इसलिए आराम से जरूर खेलो। अब जो ये फाइट है ना, ये यहाँ पे पूरी फाइट देखो, अब यहाँ पे बॉयज ओवर बिल्कुल नहीं होगी, बस यहाँ पे मजे होंगे, तो बस देखो फटाफट।
best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'm a dream one day. Society's restraints, money, clout and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirst. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic, chaotic. No! To last with the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. अब देखो यहाँ पे बचे थे ऑलरेडी दो बंदे और यहाँ पे चली थी बहुत तगड़ी फाइट। अब ये दो फाइट होने के साथ में जो सामने वाला बंदा ना, इस बंदे को मैं डैमेज तो देता हूँ, बस यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला डैमेज का। लेकिन मेरे को पता है बंदा चिकन वही लेने वाला है। बस यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं गाइस भागने के बहुत चांस थे लेकिन कोई पॉइंट चांस नहीं मिला है। तो गाइस आज के वीडियो में मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को पता है ये वाली वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अपन कल ऐसी वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हैकर को अपन ने कैसे मारा ये भी मेरे को जरूर बताना। मिलेंगे अपन कल की वीडियो में।